लाइफ में हो रखे हैं भाई साहब हमारे टंटे, इतने जोर के टंटे हो रखे हैं, बहुत जोर के। तो हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज डेट है 25 अक्टूबर 2021, आज का दिन है सोमवार का, और आज अभी दोपहर के बजे हैं 12, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले ही मैं जगा हूँ, लगभग 11:30 बजे के करीब में। कल जो कुछ भी हुआ यार, उसके दिमाग तो सारा ही ख़राब है, मेरा भी और गीता का भी, लेकिन मैंने अभी गीता को मना लिया है, शांति है। घर में जो झगड़ा हो सकता था या बढ़ सकती थी बात, वो मैंने ख़त्म कर दी है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ यार, शाम को सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारा दिन गीता व्रत रही थी, उसके बाद में मेरा मुझे आ गया बुखार, तो पूरा मामला गड़बड़ हो गया। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को दिखा के आता हूँ यार, ज़्यादा परेशान हो, कल का पूरा दिन ख़राब हो गया, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ मैं। उसके बाद जाएंगे गाड़ी को दिखाने के लिए, गाड़ी भी कई दिन से दिक्कत दे रही है लगातार। अब उम्मीद है परमात्मा से, ऊपर वाले से, बंसी वाले से, कि अब बुखार ना आए, क्योंकि बुखार ने अब तो काम बिगड़ रहे हैं बुखार की वजह से। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये हमारी मम्मी आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से, ये देखिए ये मम्मी आ गई, बाजार से आ रही हैं कहीं से, हैं जा रहा हूँ, जैसा कि भाई मैंने कहा था, गाड़ी चेक कराने जा रहा हूँ मैं, तो आ गया हूँ। ये मेरा दोस्त है गाड़ी पर, नाम बता भाई अपना। मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। किसका नाम है भाई? विजेंद्र सिंह, हमारे ई रिक्शाओं का मिस्त्री है, काफी भरोसेमंद। चाबी नहीं है हमें, तो आ जाओ। लगभग 15 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गाड़ी, और कल मुझे आ गया था बुखार, तो कल मैं आनंद आया चेक कराने के लिए, आज आया हूँ इसे चेक करवाने, आया इसे चेक करने के लिए गाड़ी को, मेरी को जाने दो इसे। तो भाई साहब, अभी मेरा काम ख़त्म होने में नहीं आया, गाड़ी में दिक्कत, जो गाड़ी दिखाने आया था, गाड़ी की मेरी की जो मोटर की शाफ्ट है वो शाफ्ट हो गई है ख़राब, पीछे शाफ्ट बदलवा रहा हूँ मैं, भाई साहब प्रेस वाले हैं, वैसे मिस्त्री से निकल नहीं रही थी तो प्रेस पे लाना पड़ा है, प्रेस पे प्रेशर से जब निकाली जाएगी ये साफ, जब दूसरी चेंज होगी तो साफ चेंज करवाने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे कंकाली मंदिर के पास ही। एक बार आपको पता हो, कंकाली पे ही मैंने गाड़ी की कमानियाँ चेंज करवाई थी, उसके जस्ट सामने की तरफ ये दुकान है, यहाँ पर आया हुआ हूँ इस बार, कुछ ना कुछ चल ही रहा है अभी लाइफ में। ये दुकान है, हमारे मिस्त्री साहब हैं, भाई साहब दूसरे भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई का? मनोज, मेरा भी नाम मनोज है यार। भाई साहब का क्या नाम है? सानू भाई साहब हैं यहाँ के हेड मिस्त्री, ये बदल रहे हैं हमारी शाफ्ट, शाफ्ट चेंज हो जाएगी जब गाड़ी ठीक होगी यार। चलिए देखते हैं इन्हें भी कितने देने हैं अभी। तो भाई साहब, शाम के बज रहे हैं लगभग 6, लाइट ऑन हो चुकी है, तो सबसे पहले तो भाई राधे राधे बोलिए। ये हमारे बाबा हैं, साथ में ऑटो चलाते हैं मेरे, हेलो करो बाबा, राधे राधे। तो बाबा राधे राधे वाले हैं हमारे, हेलो वाले नहीं हैं। तो यार, कल के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ कल क्या हुआ था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। गीता को जैसे तैसे मनाया है मैंने, थोड़ी सी मुस्कान लौटी है उसके चेहरे पर, बात करने से ही मुद्दे सुलझते हैं, और उसमें कोई गलती भी नहीं थी, सब कुछ आपको पता चली गया है, आज का जो वीडियो डाला है मैंने उसमें पता चली गया हुआ क्या हुआ था। और अभी आज भी मैं काम पर नहीं निकला था, क्योंकि सुबह से रात को दवाई लेके मेरे को ऐसा इतना तेज़ बुखार आया था, तो दोपहर को 11 बजे के करीब में मैं जगा हूँ आज, 11:15-11 बजे के करीब में। उसके बाद हाथ मुँह धोया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया हल्का फुल्का, उसके बाद सीधा गया था मैं डॉक्टर के पास, वो भी बताया था आपको कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर से दवाई ली, 200 रुपये की दवाई आई। उसके बाद भाई, गाड़ी मेरी काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इतनी तेज़ कि मेरे खुद के सर में दर्द हो जाता था, गाड़ी चलने में नहीं आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि यार छुट्टी तो हो ही गई है, कोई काम तो हुआ ही नहीं है, तो इस गाड़ी का भी मसला थोड़ा सा सुलझा लेता हूँ। तो आज गाड़ी में भी काम करवाया मैंने, लगभग 550 रुपये लग गए, इसकी जो गाड़ी की मोटर की शाफ्ट होती है वो कट गई थी, तो शाफ्ट डलवा दिए नई, 500 रुपये से 550-550 रुपये खर्च हो गए मेरे, लेकिन गाड़ी एकदम शांति से चल रही है, कोई आवाज़ नहीं है कैसी भी, खटर पटर बढ़िया चल रही है। और भाई, इसी से कमाना, इसी से खाना है, तो इसमें तो पैसे लगाने पड़ेंगे, चाहे आपकी इनकम चालू हो या बंद हो इस समय, क्योंकि इस समय इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है पैसे खर्च करने में, क्योंकि इनकम नहीं है भाई, और हर खर्चा इनकम से ही चलता है। अभी आया हुआ हम स्टेशन पर, देखते हैं
गाड़ियों का टाइम है, गाड़ियाँ कुछ सवारियाँ दिख भी रही हैं पीछे से आती हुई, ये देखिए इनमें से कोई मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है यार। एक चक्कर लगा दिया है मैंने शाम के टाइम में, दिल नहीं लग रहा था घर पे पड़े पड़े। हुआ ये है कि यार बहुत परेशान हो गया था मैं कल से ही, शाम से पड़ा हुआ और सारा दिन आज भी पड़ा रहा, तो मन नहीं लग रहा था घर पे, तो मैं निकल आया मैंने कुछ देखाऊंगा और यार दोस्तों से मिलाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्त वगैरह अभी कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। ऑटो वगैरह वाले तो हैं, ऑटो वाले, लेकिन बैटरी वाला कोई नहीं है। एक केवल हमारा अमरनाथ शर्मा ही खड़ा है बैल जी, और कोई भी नहीं है इधर। तो देखिए और कोई आएगा शायद, चक्कर लगाने गए होंगे। मैं अभी आया हूँ यहाँ पे स्टेशन पे, और लाइफ में हो रखे हैं भाई साहब हमारे टंटे, इतने जोर के टंटे हो रखे हैं, बहुत जोर के। डॉक्टर से पूछते हैं एक हफ्ते से भाई दवा खिला रहे हो, हज़ारों रुपए की दवाई खिला दी, अब गले से भी कुछ खाने की भी इच्छा नहीं उतरा, इतना मुँह कड़वा हो रखा है, लेकिन फिर भी बुखार आ रहा है, इतना परेशानी क्यों हो रही है। तो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को दिखाया भाई, डॉक्टर साहब ने बोला कि कल अब तुम्हारा मामला कट चुका है, थोड़ा बहुत और परेशान करेगा, वैसे 5 से 6 दिन का कोर्स होता है डेंगू और ये प्लेट वगैरह का, तो वो टाइम तुम्हारा निकल चुका है। तो डॉक्टर ने थोड़ी सी सांत्वना दी, उस घर पे मन लग नहीं रहा था, सोचा था यार दोस्तों से मिलूंगा, 2-4 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, केवल 2 बंदे हैं, मैं और बैल जी। ऑटो वाले हैं लेकिन ई रिक्शा बैटरी वाला जो अपने साथ में उंडे बंडे वाला कोई भी नहीं है आज यहाँ पे, पता नहीं क्या सबके सब कहाँ गए हुए हैं, और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है कोई आया भी नहीं है। तो शायद या तो घर जा चुके हैं या सब पे घुमाने के भाड़े हैं जो कोई अभी तक आया नहीं है, वरना इतने टाइम तक आते जाते रहते हैं, चक्कर लगते रहते हैं सबके, स्टेशन वापस आते ही रहता कोई ना कोई। तो भाई साहब दिन हो चुका आज का ख़त्म, मैं हूँ अपने घर पे, और भाई दिन के आज कुछ किया तो वैसे खास है ही नहीं, क्योंकि दोपहर तक तो सोता रहा था, उसके बाद डॉक्टर के पास गया, गाड़ी ठीक करवाई, और शाम के टाइम में थोड़ा सा जब घर पर दिल नहीं लग रहा था, मन थोड़ा सा व्याकुल हो रहा था कि थोड़ा सा गुरबाई डेली घूमने वाले आदमी है, सुबह निकलते हैं दोपहर को आते हैं फिर दोबारा से वही रूटीन चलता रहता है, और जो कभी जब भी निकले या किसी काम से निकलने वाले लोग होते हैं उनको घर में मन लग जाता है, लेकिन हम जैसे जो जिनका काम ही घर से बाहर हर समय का रहता है उनके लिए थोड़ा सा घर में रुक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं भी निकल गया था शाम को, पर बुखार और तबीयत के ख़राब होने के बावजूद भी नहीं रुका जाता, थोड़ा सा यार दोस्तों से मिलने के लिए स्टेशन निकल गया था मैं, तो इसीलिए गया, थोड़ा सा काम भी कराया अपना, खर्चा पानी का तो निकल ही आया शाम के टाइम में जो भी हल्का फुल्का था, तो उसे करके मैं आ गया हूँ घर। तो आई होप दोस्तों आज के इस ब्लॉग का यहीं पर कर रहा हूँ मैं एंड, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।